दोस्तों राज को क्या प्रॉब्लम हुआ है और एक घंटे में लड़की ने लेने में लगा दिया, एक घंटा पूरा लगाया है लेने के लिए, और क्या चीज़ लेने के लिए लगाया है भी आप लोग को बताऊंगा वीडियो में। और वीडियो में बने रहना, वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि वीडियो में एक घंटा लड़की ने लेने लेने के लिए क्या लगा दिया। और एक घंटा लगता है लेने के लिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट में काम खलास हो जाता है, पर उसने एक घंटा पूरा लगाया लेने के लिए। गाइस तो उसी के टॉपिक पे आज का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को चलो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ, बहुत मस्त, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का लोकेशन कोई बड़ा लोकेशन नहीं है, ये देखो खजूर के पास ही आ गया हूँ। ये पेड़ है, किस चीज़ का पेड़ है मेरे को खुद नहीं मालूम है, और आप लोग को बहुत सुंदर खजूर भी दिखाने वाला हूँ। खजूर देखो बहुत इसमें फल लगा हुआ है, और आप लोग को बिल्कुल अंदर में जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। तो ये गाइस दिख रहा होगा खजूर, और भी अंदर चलता हूँ आप लोग को खजूर दिखाता हूँ। गाइस बने रहें वीडियो में, वीडियो में बने रहें गाइस, तभी आप लोग को मालूम हो पाएगा। तो ये देखिए ये खजूर, और खजूर से मीठा तो नहीं है, खट्टा भी नहीं है, और सूख भी गया है, और इधर भी है देखिए, ये भी दिख रहा होगा। तो मजरे के अंदर ही आ गया हूँ ये खजूर से। गाइस तो आप लोग को कैसा लग रहा है खजूर? बहुत अच्छा, बहुत मस्त, बहुत फल है इसमें, तो खजूरी खजूर पूरा भरा हुआ, पूरा खजूरी खजूर ऊपर दिख रहा है बिल्कुल फुल। तो इसी मजरे में आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है गाइस, और यहीं पे आप लोग को मैं बताने वाला हूँ मजरे के अंदर ही घूम घूम के। और बाइक मेरा इधर खड़ा है, और क्या प्रॉब्लम्स हुआ है उसी के लिए बताऊँगा छाँव में बताऊँगा, तो मज़ा भी आएगा मेरे को, बहुत मज़ा आएगा। गाइस आप लोग से बात करने में बहुत मेरे को खुशी मिलती है, कुछ भी अगर टेंशन भी रहता है ना तब भी साला भूल जाता हूँ, और आप लोग से बात करता हूँ तो सब टेंशन भी भूल जाता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड अब ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, आप लोग से बताना स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ हुआ है प्रॉब्लम। तो फ्रेंड और प्रॉब्लम लेडीज़ से हुआ है मेरे स्टोर के अंदर में ही। तो खाने का पार्सल था गाइस, तो खाने का पार्सल चार आया हुआ था, तो दो ड्राइवर थे, और रेडी तो मेरे को बोलते हैं कि खाना लेके एक चले जाना, और तुम तो हमने बोला नहीं, मेरा ड्यूटी फिनिश हो चुका है ऑलरेडी, तो अभी मैं खाना के पार्सल कुछ भी नहीं उठाऊंगा। और गाइस अगर गाड़ियों का साउंड आ रहा हो तो मुझे माफ़ भी करना, क्योंकि यहाँ पे बाजू में ही गाड़ियाँ जा रही हैं, तो गाड़ियों का साउंड भी आ रहा होगा, क्योंकि मजरे के साथ में हाईवे है। तो गाइस खाने का पार्सल चार था, तो बोलती है एक तुम लेके जाना, बाकी दो दूसरा ड्राइवर लेके जाएगा, और एक दूसरा ड्राइवर, एक तुम लेके जाना। तो मैंने बोला कि मेरा जो कैश है, कैश फिनिश हो जाएगा जल्दी, नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं ऑर्डर अभी नहीं उठाऊंगा कोई भी, बगैर ऑर्डर का ही मैं रूम में जाऊंगा, मेरा टाइम खलास हो रहा है। तो गाइस इतना परेशान कर दिया, मनी लेने के लिए एक घंटा लगा दिया, वही बस नहीं करने की वजह से उसने मेरे को इतना परेशान किया। क्यों नहीं करने की वजह से? मैं बोला मैं नहीं लेके जाऊँगा, तो इसीलिए गाइस बहुत परेशान किया। एक घंटे के अंदर में जाके उसने मेरा पैसा लिया है, तो एक घंटा लग गया गाइस। फिर भी बहुत गुस्सा आ रहा था फ्रेंड, बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। मैं सोचा यार अब क्या फाइटिंग करेगा, क्या बोलेगा, इसलिए गाइस मैं कुछ नहीं बोला। तो एक घंटे में पूरा जाके पैसा दिया, एक घंटे में पैसा देने के बाद में मैं रूम में गया। तो आप लोग गाइस बताना कमेंट करके कि अगर ड्यूटी ख़त्म हो जाता है, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद में किसी को काम करना अच्छा नहीं लगता है, कोई भी आदमी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, ड्यूटी के टाइम में जो भी काम रहेगा वो आदमी करेगा, ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा गाइस काम करने में अच्छा नहीं लगता है। तो ड्यूटी मेरा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं ऐसा बोला, अगर ड्यूटी मेरा रहता तो मैं नहीं बोलता, मैं तो करता ना। तो उसने एक घंटा पैसा लगाने में लिया, एक घंटे के बाद पैसा लगा के दिया, बाद में जाने में भी टाइम लगता है गाइस रूम में, तो जाने में भी बहुत टाइम लगा, बाद में रूम में गया, टेंशन था। तो आप लोग से शेयर कर दिया तो थोड़ा सा टेंशन कमती हो गया, और मज़ा भी आया दोस्तों। तो दोस्तों बस वीडियो को एंड करते हैं, और क्या था, एक टॉपिक और भी था मेरा, एक बात और भी आप लोग से बताना था कि जो मैं एक वीडियो और बना के दिया था झूठ बोल के, उसमें उस वीडियो में ये नहीं मैं बता पाया था कि मेरा उस दिन एक्सीडेंट होते होते भी बचा था गाइस,
बस आप लोग का दुआ और ऊपर वाले के दुआ से बचा था, कुछ नहीं हुआ मेरे को गाइस। तो ओके गाइस, आप लोग का दुआ और आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग अपना आशीर्वाद अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें गाइस, ताकि भाई लाइफ में कुछ करे, कुछ कर सके, बिल्कुल बिंदास। तो ओके गाइस, आज का लोकेशन और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर दोस्तों में शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर से ज़रूर करना, और दोस्तों कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं ये भी ज़रूर से ज़रूर बताना, ताकि भाई को भी पता चले कि भाई का वीडियो पहुँचता कहाँ तक है और कहाँ कहाँ से लोग देखते हैं और पसंद करते हैं इस भाई को कि नहीं करते हैं। देखो गाइस, पसंद करो या ना करो, मैं बेसूरत तो हूँ ही गाइस, पसंद करो यार, क्योंकि मैं सौरभ जोशी मनोज डे तो हूँ नहीं, छोटा फैमिली से, गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इस भाई को कुछ सपोर्ट करो, प्यार करो यार दोस्तों। नहीं, आज नहीं करोगे तो आदमी थक जाएगा, थकने के बाद में क्या करेगा, छोड़ देगा। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट हम पे भी बनाए रखें, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा प्यार सपोर्ट अगर बना के रखेंगे तो भाई आप लोग के बीच में ही रहेगा और हौसला आएगा। तो ओके गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में हंसते मुस्कुराते ही, तब तक के लिए जय हिंद।